योर्स गाइस वेलकम बैक टू अ गेम वीडियो। तो गाइस हम दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5 और यार आज की वीडियो यार बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि यार जस्ट अभी मुझे माइकल की कॉल आई थी और यार उसने मुझे तो बताया कि भाई लॉस सैंटोस में टेक्नो गेमर्स आए हुए हैं, वो भी अपनी लैम्बोर्गिनी सियान में, और गाइस उन्हें यार कुछ बिजनेस डील करनी थी। तो गाइस माइकल को पता चल गया कि भाई वो जो लैम्बोर्गिनी सियान है उनकी, उन्होंने कहाँ पर पार्क करी है, और गाइस उसने मुझे बताया कि भाई जहाँ लैम्बोर्गिनी सियान उन्होंने पार्क करी है वहाँ पर उतनी सिक्योरिटी भी नहीं है, उतनी ज़्यादा टाइट नहीं है। तो गाइज हम सोच रहे हैं उस लैम्बोर्गिनी सियान को चुराने के लिए, और गाइज तुम्हें पता ही होगा कि भाई लैम्बोर्गिनी सियान है मतलब इतनी ऑसम कार है, और जो उसकी स्पीड और जो भाई लुक है ना यार बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की है। तो यार मैं सोच रहा हूँ कि भाई मतलब दिन भी सही है और हम भी सही हैं, तो क्यों ना हम उनकी कार को चुराते हैं, ठीक है। और अभी मौसम भी अभी कुछ ठीक ठाक है, और गाइज टेक्नो गेमर्स को मतलब आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ कि भाई हम जल्दी से जाते हैं और गाइज उनकी कार को हम तुरंत चुरा लेते हैं, बट यार वहाँ पर थोड़ा खतरा हो सकता है क्योंकि भाई टेक्नो गेमर्स के साथ यार पुलिस भी होती है, सिक्योरिटी गार्ड बहुत उनकी हाईली रिकमेंड होती है। तो ठीक है, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट कोई नहीं, हम संभाल लेंगे, आगे जाके देख लेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो गाइस फिलहाल तो अभी मैं अपार्टमेंट में हूँ और यहाँ पे हमने फ्रैंकलिन को कुछ इस तरह के कपड़े पहना रखे हैं। वैसे यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, मैंने रखा तो है ही नहीं सिक्योरिटी गार्ड्स को, बट ये क्या कर रहा है भाई? ओ, 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 ओ उड़ जा भाई, उड़ जा भाई, इस चीज़ के पैसे थोड़ी लेता मतलब नहीं। यार बताओ, तो वैसे फिलहाल तो छोड़ा, अभी हम चलते हैं। और गाइज ये देख सकते हो मेरे पास अभी तीन कार खड़ी हुई है, एक मेरी पता नहीं पैक्सी यहाँ, और एक रोल्स रॉयल्स, और एक पता नहीं कौन सी ये वाली जो है ब्लैक वाली, ये मुझे माइकल ने गिफ्ट करी थी, जो कि यार बहुत ही नेक्स्ट लेवल की है। चलो इसे बाद में चलाएंगे, फिलहाल तो मैं अभी अपनी पैक्सी यूज़ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें जल्दी से जाना है। ओके तो चलो अभी निकलते हैं। और गाइज सोच सकते हो, और मतलब भाई इतने बड़े यूट्यूबर की कार चुराना यार थोड़ा यहाँ पे मुश्किल हो जाता है, बट यार हम भाई पूरी कोशिश करेंगे और भाई लैम्बोर्गिनी सियान को हम लेकर ही जाएंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो वैसे फिलहाल तो मैं अभी शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यार हमारे पास उतना टाइम नहीं है। और गाइज यहाँ पे ओ भाई, वैसे गाइज मैं तुम्हें बता दें मेरी कार को उतना कुछ होगा नहीं, क्योंकि यार जो मेरी कार है वो बुलेट प्रूफ है, मतलब स्क्रैचेस हल्के तो मतलब भूल ही जाओ, ठीक है, उसमें बुलेट भी काम नहीं करेंगी पुलिस वाली, इसलिए मैंने ये वाली कार ली। बट अगर मैं वो वाली कार लाता वो भी मतलब अच्छी तो है, बट यार उनमें स्पीडिंग नहीं है, ठीक है, तो अगर पीछे पुलिस वुलिस पड़ती है तो भगाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए मैंने ये वाली कार चुनी, ठीक है। भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी, बुलेट प्रूफ भी है और स्पीड भी बहुत ठीक ठाक है। पर वैसे बिना किसी देरी करेगा अब चलते हैं, ठीक है, जल्दी से जल्दी। सो गाइस आधे घंटे की ड्राइविंग करते करते और तुम्हारे पास फाइनली यार आ चुका है गाइस जहाँ पे यार हमें लैम्बोर्गिनी सियान मिलने वाली है। और गाइस जस्ट मुझे पता चला है कि भाई ये तो यार इनका भाई टेक्नो गेमर्स का भाई YTF का प्रोग्राम होने वाला है, यूट्यूब फैन फेस्ट का, जो कि इधर आए हुए हैं बॉक्स ऑफिस के स्टेडियम में, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे फिलहाल तो गाइस हम बिल्कुल सही टाइम पे आ चुके हैं, वरना अगर हम रात को आते तो यार बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स हो जाती, और गाइस टेक्नो गेमर्स भी बस आने वाले हैं, तो हमारे पास यार टाइम बहुत ही कम है, तुम देख सकते हो शाम होने वाली है और सूर्य नहीं वाला है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे तो सिक्योरिटी गार्ड है नहीं आई गैस, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ओ भाई खोल दे, हेलो, अरे सुन भी रहा है नहीं। हो भाई लिटरली यार तुम देख सकते हो गाइस उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, और गाइस हम आ चुके हैं, मुझे लग रहा है वो नशे वैसे में पता नहीं क्या ही करके बंदा बैठा है, बट अब हमें आराम से यहाँ पे कार चलानी पड़ेगी वरना उसे शक हो सकता है, ठीक है, कि भाई मतलब इतनी तेज यहाँ पे कौन कार चला रहा है, और गाइस मुझे सिक्योरिटी गार्ड्स पकड़ सकती है, और तुम्हें पता है कि चलाना आजकल कितना महंगा हो रहा है, ठीक है। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो जल्दी चलते हैं और यहाँ पे अपनी कार हम पार्क कर देते हैं। ओके सो गाइस फाइनली यार यहाँ पे हमने अपनी कार पार्क कर दी है, और गाइस हमने यार अपने दिए गए लोकेशन पे जो माइकल ने बता रखा था कि जहाँ पे YTF का प्रोग्राम होने वाला है, तो गाइस वहाँ पे हम आ चुके हैं। बट यार सबसे यहाँ पे अब यार मेन बात ये कि भाई लैम्बोर्गिनी सियान की अभी हमें भाई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, क्योंकि भाई इतनी महंगी कार है तो भाई ऐसे ऐसे जगह तो वो पार्क होगी नहीं, तो भाई वो हमें ढूंढनी पड़ेगी। और हमारे पास सबसे मेन बात ये भी है कि यार टाइम बहुत कम है और भाई शाम होने वाली है, और भाई जो यार YTF का यूट्यूब का वो था वो भी स्टार्ट होने वाला है, और गाइस यहाँ पे जो अभी मेम्बर्स तो आए नहीं, अभी लोग इकट्ठा हो रहे धीमे धीमे, बट यहाँ पे स्टाफ के मेंबर्स हैं, ठीक है, तो अभी दिक्कत नहीं होगी, बट हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा वरना दिक्कत हो सकती है। तो वैसे फिलहाल तो मुझे लगता है यहाँ पे तो कार कोई दिख नहीं रही, ठीक है, तो चलो एक एक करके ढूंढते हैं आखिर कहाँ पे यार उन्होंने पार्क कार कर रखी है, ठीक है। ओ भाई ये क्या हो रहा है, ओ भाई उधर क्या हो रहा है आखिर इतनी भीड़, ओ भाई लिटरली यार तुम देख सकते हो गाइस फाइनली लैम्बोर्गिनी सियान मेरे सामने खड़ी है, बट यार एक मिनट यार इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी,
ओ भाई, 1 2 3 4 5, मतलब भाई क्या ही यार, एक कार के लिए इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी यार, ये तो भाई गलत बात है यार बिल्कुल। एक मिनट यार, हमें चेक करना पड़ेगा आखिर क्या ही सीन है। 1 2, मतलब ओ भाई यार, स्वाट के बंदे और FIB और पुलिस वाले। ओ भाई यार, ये तो यार थोड़ी दिक्कत होने वाली है गाइस। जिनसे मैंने पहले ही बोला था कि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, और इनके यार हाथों में गन तो नहीं है वैसे, ठीक है। ओके, कितने बंदे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 9 बंदे इधर हैं, और वैसे तो यार इधर तो कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। और ऊपर तो नहीं है वैसे यार, यूट्यूब का YTF है तो मतलब जाहिर सी बात है सिक्योरिटी गार्ड्स तो होंगे। ओ भाई, और लिटरली यार, एक मिनट, कैसे मुझे स्पॉट कर लिया क्या भाई? इधर देख क्यों रहा था? मुझे एक बात समझ नहीं आई गाइस यार, इसे यार ख़त्म करना ही पड़ेगा, शायद इसने मुझे देख लिया। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, तो गाइस उसका तो हमने काम ख़त्म कर दिया, बट यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई इन 9 लोगों का, 8 लोगों का आखिर कैसे मारना है एक साथ, ठीक है। वरना अगर यार मैंने अगर यहाँ से हल्की सी भी थोड़ी सी भी दिक्कत कर दी तो गाइस यहाँ पे यार अलार्म बज जाएगा, और गाइस सारे सिक्योरिटी गार्ड्स यार एक ही बार में आ जाएंगे, और पुलिस वाले भी एक्टिव हो जाएंगे। गाइस तुम्हारे भाई की बैंड बज जाएगी यार, लैम्बोर्गिनी से यहाँ तो दूर की बात, तुम्हारे भाई यहाँ से बच के भी निकल नहीं पाएगा, ठीक है। तो भाई बस इस बात की दिक्कत हो रही है। तो यार मैंने क्या प्लान सोचा है कि गाइज मैं चुपके से जाऊंगा और वहाँ पे स्टाफ का मेंबर जाके मतलब प्रिटेंड करूँ कि मैं स्टाफ का मेंबर हूँ, और गाइज वहाँ पे मैं एक बम रखाऊंगा और भगाऊंगा, ठीक है। बट यार यहाँ पे थोड़ी कार को डैमेज होने की दिक्कत हो सकती है, बट यार जो टेक्नो गेमर्स की कार है वो यार बुलेट प्रूफ है, ठीक है, एंटी बुलेट है, तो उसे मतलब उतनी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो यार यही प्लान है, तो चलो अभी ट्राई करके देखते हैं इस प्लान को कि ये वर्किंग होता है कि नहीं। सो गाइज यार चलो, अब भाई प्लान के मुताबिक हम जाते हैं पास में और देखते हैं आखिर यहाँ पे सीन क्या हो रखा है, ठीक है। हमें यार एक एक स्टेप भाई बहुत ही केयरफुली हमें लेना पड़ेगा, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं आगे चल के। मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही यार, मतलब पुलिस भी इनके साथ, स्वॉट भी इनके साथ और बॉडीगार्ड भी इनके साथ, मतलब भाई क्या ही सीन है यार। और गैस तुमने एक एक चीज़ नोटिस करी यार, इनमें से किसी के भी पास यार ना कोई गन ना कोई वेपन, ठीक है। तो यार इस चीज़ का मैं एडवांटेज उठा सकता हूँ, बट यार ये एक साथ में इन्हें कैसे मारना वो समझ नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। ओके तो चलिए अभी हम चलते हैं उधर, और मैं सोच रहा हूँ यार दूर से इन्हें मैं स्नाइपर का शॉट दूँ, ठीक है, ताकि पता भी ना लगे। बट यार मुझे जल्दी जल्दी ये सब करना पड़ेगा, वरना मेरे पास एक प्लान और है कि यार मैं छुप के इनके पीछे जाके मैं इनको ग्रेनेड लॉन्चर से उड़ा दूँ, ठीक है। ओके, एक, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, जल्दी 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 जल्दी। ओके, ओ भाई, एक रह गया, एक रह गया, एक रह गया। तो गाइस फाइनली यार यहाँ पे यार जितने भी यार हमारे पूरे 9 के 9 बंदे थे भाई, सब सबको यार तुम्हारे भाई ने खत्म कर दिया। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि भाई लेमोरगिनी सियान में आग लग चुकी है। बट यार ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये जो कार है भाई लेमोरगिनी सियान टैक्ते हैं वो गेमर्स की, यार ये बुलेट प्रूफ है और भाई एंटी बुलेट है, तो मतलब इस पर भाई किसी भी चीज़ का कुछ असर नहीं होने वाला। बट यार हम आई गेस यहाँ से मुझे निकलना चाहिए, ठीक है। ओके, तो लिटरली गाइस यहाँ पे देख सकते हो भाई लेम्बोर्गिनी सियान, ओ भाई, और इसका लुक देख सकते हो, ओ भाई भाई बहुत ही तेज लिटरली यार ये कार चल रही है। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई यार बहुत ही तेज, मतलब भाई ओवर कंट्रोल ये कार हो रही है। ओ भाई, ओ भाई यार टेक्नो के भाई से कंट्रोल कैसे करते हैं यार। बट यहाँ पे यार एक दिक्कत हो रही है मुझे कि भाई मैं सामने से आके जाऊँ तो जाऊँ कैसे यार, सामने एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था तो उसे मुझ पर शक हो जाएगा, ठीक है। बट यार चलो देखते हैं, जो होगा आगे होगा वो तो हम देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल तो हम चलते हैं आराम आराम से, प्रिटेंड करेंगे कि भाई हम टेक्नोग्रेस की बॉडी गार्ड हैं। बट यार कहीं उसे शक ना हो जाए, अगर शक हो गया तो भाई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। गाइस सबसे मतलब बड़ी बात तो ये यार, मैं निकल तो आ गया, बट यार सबसे बड़ी बात कि भाई माइकल की मुझे अभी अभी जस्ट कॉल आई थी, और गाइस उसने बताया कि भाई CCTV भाई फुटेज में यार मैं रिकॉर्ड हो चुका हूँ, ठीक है। और जो न्यूज़ है भाई बहुत ज़्यादा लॉस सैंटोस में वायरल हो चुकी है, और गाइस पूरी यार लॉस सैंटोस की पुलिस यार अब मेरे पीछे पड़ चुकी है, मतलब भाई लेने के देने पड़ चुके हैं, ठीक है। तो भाई अब मुझे यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। ओ भाई, बट यार सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि भाई ये जो भाई टेक्नोग्रेस की कार यार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, तो मुझे उतनी ज़्यादा चोट तो नहीं आएगी, ठीक है। बट यार 5 स्टार की पुलिस लगी है, तो उसमें तो सोच सकते हो हेलीकॉप्टर्स वगैरह सारी चीज़ें तुम्हारे भाई के पीछे पड़ चुकी हैं। बट कोई नहीं यार, अभी हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं।
ओके और भाई कार की स्पीड तुम देख सकते हो भाई भाई इसकी हैंडलिंग यार बहुत ही प्यारी है। बट यार मैं पहली बार चला रहा हूँ तो मतलब उतनी तुम समझ ही सकते हो यार। ठीक है चलो अभी हम जल्दी निकलते हैं। और गाइस 5 स्टार की पुलिस हमें जल्दी जल्दी भगानी पड़ेगी। ठीक है और यहाँ पे हम चलते हैं माइकल के पास। ठीक है और उसके जो गराज है माइकल का गराज वहाँ पे मैं अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को पार्क कर दूंगा। और सबसे पहले यार इसका हमें कलर चेंज करवाना पड़ेगा ताकि यार पुलिस वालों को शक ना हो और भी जितने मतलब हमारी सोसाइटी में लोग रहते हैं उन्हें शक ना हो वरना वो कंप्लेन कर सकते हैं। और गाइस उन्होंने अगर कंप्लेन कर दिया तो यार पुलिस जो है माइकल को भी उठा के ले जाएगी और कार को भी प्लस मुझे भी। ठीक है तो सबसे पहले यार हमें यार अपनी कार को पेंट करवाना पड़ेगा। ठीक है दोबारा से। और गाइस अपनी यार लैम्बोर्गिनी सियान को यार भगाते भगाते भाई तुम्हारे भाई ने फाइनली यार पुलिस से स्केप कर लिया। बट यार अभी भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि यार जगह जगह पर यहाँ पे यार सीसीटीवी कैमरा लग रखे हैं तो मुझे पहचान सकते हो। तो जल्दी जल्दी चलो यार अपनी कार को कस्टमाइज करवाते हैं ताकि यार कोई भी हमारी लैम्बोर्गिनी सियान को पहचान ना पाए कि गाइस हमारी नहीं है और टेक्नो गेमर्स की। ठीक है चलो बस हम आ ही गए। ठीक है और ये रहा यार ऑटो रिपेयर्स। ओके और चलो अब एंट्री करते हैं। और गाइस ओ भाई यार लिटरली यार देख सकते हो भाई पहले से यार यहाँ पे कितनी औसम कार खड़ी है। बट यार हमारी लैम्बोर्गिनी सियान का जो लुक है यार पहले से इतना फाड़ लग रहा है कि भाई ये कार कुछ भी नहीं लग रही इस कार के सामने। ठीक है चलो अब अंदर की तरफ चलते हैं। ओके तो गाइस हम आ चुके हैं अपनी कस्टमाइज करवाने का। और गाइस फाइनली यार यहाँ पे हमारी जो कार थी यार रीस्प्रे होकर आ चुकी है। ठीक है और यहाँ पे देख सकते हो यार कार का लुक यार कितना मतलब ओसम यार यहाँ पे लेवल का लग रहा हो भाई। यार कार पूरी नेक्स्ट लेवल की यहाँ पे हो चुकी है हमारी। यार अब चलो यार जल्दी जल्दी चलते हैं। और गाइस जस्ट यार मुझे अभी माइकल की कॉल आई थी और वो पूछा मतलब कैसे क्या सब मतलब सब ठीक। तो यार मैंने बता दिया कि भाई तुम्हारे भाई ने यार कार चुरा भी ली कस्टमाइज भी करवा दी और भाई पुलिस से भी स्केप कर लिया। बट यार यहाँ पे एक दिक्कत हो रही है। बट यार यहाँ पे जो दिक्कत वो हो रही है कि जो कार का नंबर प्लेट है गाइस ये हमें चेंज करवाना है। तो यार माइकल ने मुझे बोला कि वो कल सुबह जाने वाला है अपने दोस्त के पास जो कि यार उसका कार का काम है। और गाइस वहाँ पे यार वो सारा काम कर देगा जो बाकी का बच्चा काम रह रहा है। ठीक है तो अभी हम जल्दी जल्दी चलते हैं माइकल के पास और उसके गराज में हम पार्क कर देते हैं अपनी कार। ठीक है क्योंकि यार अभी जो फ्रैंकलिन का घर है उधर यार मतलब खड़ी करना लैम्बोर्गिनी सियान को सेफ नहीं है। और यहाँ से यार हमारा जो माइकल का घर है वो भी पास है। ठीक है तो माइकल के घर भी हम आ ही गए। और गाइस हमारे बहुत स्लोली इस कार को चलाना पड़ेगा। हल्का सा भी यहाँ पे डेंट आता है कार में तो भाई बहुत ही ज़्यादा इस कार में पैसे हमारे फुक जाएंगे। ठीक है तो चलो अभी हम चलते हैं। ओ भाई यार माइकल भी कह रहा था कि भाई हमें जल्दी जल्दी यार कार दिखाओ मतलब लैम्बोर्गिनी सियान है भाई आज तक बस हमने टीवी पे कार देख रखी थी। बट यार फाइनली यार यहाँ पे हमारी जो कार है आ चुकी है। ठीक है ओके ओ वेट भाई ये कौन था। ओके ये तो भाई अमांडा का यार योगा टीचर है ये कहाँ जा रहा आखिर। तो बस यार आज की वीडियो तैयारी अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हो तो मैंने सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और भाई सब्सक्राइब इसलिए करना ताकि यार आगे की तुम्हें वीडियोस तुम्हें मिल सके और आगे देख सको भाई आगे नंबर प्लेट मतलब आगे क्या क्या दिक्कत आती है कार को हमारी अपनी करने में। ठीक है तो यार मेक श्योर टू सब्सक्राइब और बने रहना। ठीक है बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।